करना, यानी आज इंसान इन दो मजमू इन दो चीजों का मजमुआ है, हमारे एक जिस्म में मादा यानी मैटर, ठीक है, मैटर में हमारा जिस्म आता है, ठीक है ना, और रूह यानी SOUL है ना, ठीक है, ये रूह, रूह में हमारी मानवियात वगैरह आती है। तो इन दो चीजों की बिना पर हम में तफावत आते हैं। मतलब हमारे जिस्म की जरूरत यह है कि जिस्म को बीमारी ना लगे, वो सालिम रहे, ठीक है, यानी जिस्म को जो जरूरत होगी वो मैटर है, क्या है, यानी हर चीज जो मेटेरियल है, ठीक है, जो ये जिस्म की जरूरत है, मादे की जरूरत है। दूसरा इस के साथ साथ ये फिजिकल भी है, इसको आप मानवी चीजात लेके दे तो कोई समझ में नहीं आएगा, वो चीजें दे वो जो फिजिक्स में वो छू सकें, देख सकें, ग्रह कर सकें, वही चीजें, यानी हम और आप कह सकते हैं कि फिजिकल है। तीसरी चीज जो इसको है, इसकी जिस्म की जिंदगी क्या है, एनिमल लाइफ है, ठीक है ना, लेकिन रूह के बिना पर हम और आप देखते हैं तो इनमें दो चीज की जगह पे मेटेरियलिज्म की जगह पे क्या आएगा, स्पिरिचुअल आएगा। दूसरा हमारे पास इसकी जगह फिजिक्स की जगह मेटाफिजिक आएगा, ठीक है, मेटाफिजिकल, और एनिमल की जगह क्या आएगा, आप बताइए आप क्या आएगा, कल्चरल लाइफ आएगा, यानी एक तमद्दुनी जिंदगी, एक सकाफती जिंदगी हमारे रूह की वजह से, ठीक है। यहाँ भी जैसे हमने पहले कहा कि इंसान और हैवानों में इम्तियाज की बिना पर बहुत से मकातिब फिक्र वजूद में है, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स वजूद में है, इन दो चीज़ों की बिना पर, इन दो जरूरतों की बिना पर भी बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स वजूद में है। मेटेरियलिज्म जैसे हम लोग कहें कि मसलन मादा परस्त लोग मेटेरियलिज्म मादा परस्त लोग क्या कहेंगे, इनका नारा क्या है, इनका नारा यह है कि मैटर इज एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस मैटर इज ओनली एग्जिस्टेंस कहते हैं ये लोग, इनका शियार क्या है, यानी इस दुनिया में जो कुछ है वो सिर्फ मादा है, जो मादे से हट करे वो खुराफात है, यानी आपकी पूरी साइंस का जो मैटर पर जिनका है वो कहते हैं भाई हमारे एक्सपीरियंस में आना चाहिए, लेबोरेटरीज में आना चाहिए, छू सके, तजुर्बा कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, ट्रायल एंड एरर के उसमें ला सके, तब ये होगा, ठीक है ना। जितने भी मेटेरियलिज्म लोग होंगे, मादा परस लोग होंगे, उनके यहाँ वजूद क्या है सर, मादा है ना, तो इंसान क्या है उनके यहाँ, सिर्फ जिस्म है, इंसान ओनली जिस्म है। अब उनके हिसाब से वो क्या करेंगे, मेटेरियलिज्म फिजिकल और एनिमल लाइफ को ही अहमियत देंगे, उनके यहाँ जो मेयार होगा, जो मुकदम वो लोग करेंगे वो क्या होगा, कहेंगे कि इंसान सिर्फ जिस्म है, इंसान की ज़रूरतें सिर्फ मेटेरियल होनी चाहिए, इंसान की ज़िंदगी सिर्फ हैवानी ज़िंदगी है और कोई ज़िंदगी उनके नहीं है, ज़्यादा कहेंगे ह्यूमन बींग्स इसे सोशल एनिमल कहेंगे, इज्तिमाई जानवर है भाई, बस बढ़ के और क्या है, ठीक है यहाँ तक। उसी तरह मार्क्सिज्म, हाँ मार्क्सिज्म मेरे ख्याल में ही होगा, ISM मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म भी मेटेरियलिज्म की फिक्र है, लेकिन इसके यहाँ एक शियार ये होता है, कहते हैं हाँ इसको आप लोग वहां से भी लिखना, बिलीव्स इन द प्राइमरी ऑफ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इन ह्यूमन बीइंग, यानी वो सिर्फ इक्तिसाद को क्या करते हैं, तवज्जो देता है, यानी अगर जिस इंसान के पास दौलत है, माल है, प्रॉपर्टी है, वही ही उनके यहाँ क्या है, इंसान है, जिंदगी है, यार ये फकीर आदमी है, यानी मार्कस का बहुत बड़ा जुमला क्या है, मार्कस ने अपने माँ बाप के लिए, हद तक अपने माँ बाप के, किसी भी माँ बाप के लिए उसने कहा था कि अगर माँ बाप आपको दौलत दे, प्रॉपर्टी दे, माँ दौलत दे, तब तक माँ बाप का एहतराम करो, अगर ये देने की सलाहियत खत्म हो जाए, माँ बाप को चूल्हे का ईंधन बना दो, उनको एक लकड़ी की तरह चूल्हे में डाल दो, ये मार्कस का तर्जुम, क्योंकि माँ बाप जब इक्तिसाद ना दे पाए आपको तो क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इंसान की जिंदगी में इन लोगों ने जो जिनका हदफ व मकसद सिर्फ मैटर होगा, वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस पर ही तवज्जो देंगे। ये मैं सिर्फ दो मिसाल दी आप लोगों को ताकि वो समझ सके, बस इतना, ठीक है ना। लेकिन आप और हम ऐसे मुसलमान इंसान को क्या समझते हैं,
इंसान की निगाह में इस्लाम क्या है, इंसान क्या है, इस्लाम की निगाह में इंसान क्या है। देखिए, इस्लाम कहता है कि इंसान को हमने मैटर से खलक किया, यानी इन्ना खलक नल इंसान मिन तुराब, हमने इंसान को तुराब से, मिट्टी से बनाया। मैटर था, इंसान की इब्तिदा मैटर है, इंसान को मैटर से ही खुदा ने वजूद में लाया है। लेकिन इंसान उस मैटर की ज़िंदगी को छोड़कर मानवीय ज़िंदगी में आना चाहता है, ये इस्लाम की निगाह में, यानी वो अपनी मादी दुनिया से तरक्की करके मानवीय दुनिया में जाना इंसान की सआदत है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है। जब खुदा ने बनाया, पहले हज़रत आदम के ढांचे को बनाया, बनाने के बाद खुदा ने उसमें अपनी रूह फूंकी, रूह के ज़रिए इंसान के अक्ल, पूरी जिस्म, सलाहियतें काम करने लगी, और उन्हीं रूह की बिना पर इंसान में सलाहियतें आई, इल्म आई, जज्बा आया, तरक्की आई, खुदाई आई, मानवियात आए, और इसी रूह की ताकत की बिना पर स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक एंड कल्चरल लाइफ में वो क्या करता है, ज़िंदगी बसर करता। तो इस पूरे क्लास का अगर हम खुलासा अगर करना चाहें तो यानी ये तो मालूम है कि इस दुनिया में इंसान जब आया है वहाँ मादी और गैर मादी दोनों ज़िंदगी को फेस करता है। दूसरा ये कि वो हमेशा कमाल की तरफ जाना चाहता है ना, ये भी एक इंसान के अंदर है। तीसरी चीज़ की जब कमाल की तरफ जाएगा इंसान, अपने कमाल और खुशी और सआदत हासिल करेगा, तो उसे एक रास्ते की ज़रूरत है कि वो एक रास्ता तो इंतखाब करे कि किस रास्ते से वो कमाल की तरफ जा सकता है। रास्ते को इंतखाब करने के लिए उसके पास एक फहम और दर्क, यानी वो अक्ल व तवानाई आनी चाहिए कि जिसके बिना वो सही और गलत को पहचान सके। वो अक्ल होनी चाहिए, वो अक्ल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यही अक्ल थी जो इंसान को दूसरों से जुदा करती। इसके बाद कहता है यार, जब बहुत से रास्ते हैं, रास्ते की ज़रूरत है और इसको फहम अदा रखें, तो बहुत से मकातिब फिक्र स्कूल ऑफ थॉट्स आता है, कहता है कि ये मेरा रास्ता सही है, हिंदू आते हैं मेरा रास्ता सही है, मुसलमान आते हैं मेरा रास्ता सही है, हाँ जैनिज्म आते हैं मेरा रास्ता सही है, सिखिज्म आता है मेरा रास्ता सही है, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। अब यहाँ पे चौथा रास्ता ये समझ में आता है यार, इन सब पे तजुर्बा करना तो इंसान की बस की बात नहीं है कि हम सब पे तजुर्बा करते रहें तो इंसान की उम्र गुजर जाएगी, महदूद ज़िंदगी है। हम पहले सिख बने, फिर हिंदू बने, फिर मुसलमान बने, फिर फलां बने, फिर पाकिस्तान बने, तो सारे मेटेरियलिज्म अफकार को सबको तजुर्बा करते रहें तो हम और आप नहीं हों। तो इसलिए इंसान कहते हैं हमारे पास कोई ऐसे मेयार होनी चाहिए, कोई ऐसे क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके बिना पर हम इन सारी चीज़ों से सही चीज़ को इंतखाब कर सकें, और वो क्राइटेरिया या वो मेयार आप और हम को तय करना चाहिए। यानी हम और आप सारे मकातिब फिक्र की सिर्फ आइडियोलॉजीज को ही पढ़ें, यानी आप जो मोटी मोटी आइडियोलॉजीज को जब पढ़ देंगे आप, तब आपको समझ में आ जाएगा यार कौन सा रास्ता सही और कौन सा क्राइटेरिया हमारे पास आना चाहिए। इस बिना पर आइडियोलॉजी का सीखना ज़रूरी है। एक वर्ल्ड व्यू हमारे सही होने के लिए, सआदतमंदाना ज़िंदगी बसर करने के लिए हम और आपको क्या करना चाहिए, आइडियोलॉजीज को सीखना जरूरी। इन चारों दर्स का महासिर यह था कि इंसान को कहें कि देखो आइडियोलॉजीज तुम्हारे लिए मुहिम है, तुम बगैर आइडियोलॉजी के कुछ नहीं हो।